हाय फ्रेंड, वेलकम बैक अ न्यू ब्लॉग। और मेरे नए नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सोचती हूँ कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँ। तो जैसा कि मैंने कल के ब्लॉग में बोला था, जो कि जैसा भी है, जो भी हूँ, मैं जेन्युइन आपको चीज़ें दिखाऊँगी। और आज है संडे, तो संडे की सबसे बड़ी खास बात होती है कि नो टेंशन होते हैं। थोड़ी कम टेंशन तो होती है, लेकिन थोड़ी कम होती है। तो हम लोग 8 बजे सो के उठे, 8 बजे सो के उठी, मम्मी की थोड़ी आवाज़ सी आ रही थी, तो 8:15 तक मैंने ब्रश भी नहीं किया, नीचे चली गई लाडो को खिलाने के लिए। 1.5 घंटे लाडो को खिलाया, लेकिन जब तक मैंने लाडो को खिलाया, मेरी ये दूसरी लाडो है ना, इन्होंने झाड़ू लगा दिया कमरे में। देख रहे हो, चद्दर वद्दर सेट कर दी बेटा, ये तवल थोड़ी गीली है, डाल के आओ। और सब्जी तो कल मैंने चाप की बनाई थी, तो वो सब्जी पड़ी हुई थी, तो मुझे रोटियाँ बनानी थी। चाप की सब्जी थी, उसको गर्म कर दिया और 10 रुपये के दूध ला के चाय बना के मुझे नीचे चाय ले आया। आज मुझे बिना ब्रश के चाय पीनी पड़ी, बस कुल्ला करके ही फटाफट पीनी चाहिए। कमरे में पोंछा लगा दिया, बाहर झाड़ू लगा दिया, और ये नीचे वाले जो रहती हैं भाग रही है। मैं भी आज गेहूँ धोने की सोच रही थी, लेकिन धोए नहीं, वो उधर एक आंटी रहती है, उनके गेहूँ सूख रहे हैं। फिर थोड़े से कपड़े थे, ये वाले कपड़े, ये कपड़े भी इसने सर्फ में डाल दिए जो सूख रहे हैं इधर, सर्फ में डाल दिए। तो आके मैंने फिर वो धो दिए। मैं ऊपर आई तो मुझे अच्छा फील हुआ। अब मैं तुरपाई करती हूँ, जो कपड़े सिल जाते हैं उसके। तो मेरा बेटा तुरपाई के लिए कपड़े लेने गया है, मैं तुरपाई करूँगी बैठ के। अब बस मुझे नहाना है और इन लोगों के लिए चावल बनाने, क्योंकि कल तो हमने रोटी बनाई थी, तो आज चावल खाने का बना, सब्जी पड़ी है, थोड़े से चावल है। सुबह सुबह हम लोग खाते नहीं खाना, हम लोगों ने सुबह चाय पी ली। अभी टाइम हो रहा है 10:30 टाइम हो रहा है। तो अभी हम क्या है, मैं आधा घंटे में या पौना घंटे में नहा के आ जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे शैम्पू करना है बालों में। और आज नवरात्र है, और आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबकी मनोकामना पूरी करे। लेकिन क्या है कि हमने तो मंदिर भी साफ नहीं किया, क्योंकि अभी हमारे सोहर है और मम्मी के घर में भी है, 27 दिन की मूल पड़ी है। और मेरी जो ससुराल है ना, परिवार में देवरानी को बेटा हुआ है, तो मैं भी नहीं कर सकती, इसलिए ना हमने कोई ज़्यादा साफ़ सफाई की, कुछ भी नहीं किया हमने, बाकी माता रानी की मर्जी। लेकिन मेरे पापा ना माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, भोले बाबा मतलब सबको ही मानते हैं। तो वो सोहर में भी व्रत कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा, लेकिन वो पूजा नहीं करेंगे, अपने आप को 9 दिन भूखा रखेंगे। मतलब उनके कहते हैं सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, कुछ भी कह सकते हो आप, तो वो चीज़ है। तो अभी चलती हूँ मैं नहाने के लिए, और उसके बाद रेडी होकर आपसे मिलूंगी। आज मेरा मन साड़ी पहनने का है, क्या बोलते हो? यार साड़ी पहन लूँ, देखती हूँ पहनती हूँ या नहीं। नहीं सोचती हूँ हर संडे को साड़ी पहनूँ, लेकिन नहीं, तो देखते हैं। और आज कहाँ जाते हैं, जाएंगे तो वैसे कहीं नहीं, क्योंकि पिछले संडे को तो हम वहाँ घूमने गए थे, मतलब बुक बुक लेनी थी इनकी, तो उधर गए थे, पार्क वारक गए थे, बच्चों को माता रानी के दर्शन करा के। अभी ऐसे में तो मंदिर तो जा नहीं सकते, लेकिन देखते अगर कहीं भी जाएंगे तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करेंगे। और बने रहिएगा हमारे साथ ब्लॉग में। और मैं अभी नहा के फ्रेश हो के नहा के अभी बाल वाल वो करके आपसे मिलती हूँ। और करवा चौथ भी आने वाला है, तो करवा चौथ के टाइम पे मैं अपने बालों में मेहंदी करूँगी, कलर मेहंदी जो भी है वो करूँगी, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। अगर आप वाइट बाल की बात करो, तो मैं 7th क्लास में, 6th क्लास में, जब से मेरे बाल जो वाइट है, मेरे भाइयों के सबके पड़ गए। आज के टाइम में ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है, कोई चीज़ भी आपको पता है, कोई भी शुद्ध नहीं है, किसी चीज़ में कोई मजबूती नहीं बनी है, तो केमिकल वगैरह ऐसे सब होता है। अब देख रहे हो आप, पूंछ जैसे हो गए हैं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा बेकार हो रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं तो बातों का बतासा हूँ, जितनी चाहे बातें कर लूँ, मेरा मन नहीं भरता है। और बस चलते हैं, बाकी काम तो हो गया है सारा, तो टेंशन फ्री हो, थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, बेटी वाली फीलिंग आ रही थी कि चलो करते हैं, मतलब करता है। लेकिन इस लड़के का एक है, दो बेटे हैं, दो तरीके के हैं ये। चलो मेरे ये तुरपाई के कपड़े आ गए, मेरा सूट लेके आ गया, इसमें वो कह रही थी ना, हाँ कि वो प्लीज जल्दी कर दो, ठीक है तो मैं करती हूँ। अब सबसे पहले मुझे इसमें बटन लगाने पड़ेंगे, क्योंकि तुरपाई तो कल मैं कर आई थी, वहीं पर जहाँ मैं सिलाई सीखने जाती हूँ, तुरपाई के भी कपड़े दे देती मेरे को। और सिलाई अभी मुझे ढंग से इतनी आई नहीं है, तो दोनों तैयार हो गए हैं। और इसको जाना है अपने दोस्त को लेने, पर इसको ये नहीं पता कि ये भी तो दोस्त से कुछ छोटा है, रोड पार कराना। मैं इसको बोली बेटा कहीं नहीं जाना, बात नहीं मान रहा है थोड़ा, और इसके थोड़े कनखेड़े हो गए थे इसको, तो मैं यहाँ पे मिट्टी लगवा के लाई हूँ, तब थोड़ा इसे आराम है, क्योंकि दवाई ले रही थी, कुछ फायदा नहीं मिल रहा था। आप कुछ कहना चाह रहे हो? बोलो। एक नहीं, 4 साल दोस्तों को बुला के लाए। अरे इसका ऐसा ही है, बट कोई नहीं। और पता है मैं पायदान वाली मशीन चलाना सीख गई, और मैं आप लोगों को अपनी सिलाई वाली भाभी से जरूर मिलवाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, मैं इतनी बातें करती हूँ, बातों का बतासा हो गई हूँ। तो चलते हैं नहा के, आप लोगों से मिलते हैं। ओके।